हेलो अस्सलाम वालेकुम संगत, कैसे हो, क्या हाल है, ठीक हो। जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल तना नदीम व्लॉगर और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हम फिर से अपने जीएम भाई के पास आए और हमारे साथ है आज भाई और हमारे साथ है जीएम भाई। जीएम भाई कैसे हो, क्या हाल है, ठीक हो। ठीक हाल है, और सुनाओ भाई क्या क्या हाल है, ठीक हो। कब से आते हो, कब से आप यहाँ काम पे लगे हो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ऐसा हो गया, यहाँ हमें 5-6 साल हो गए यहाँ हमें काम करने में। माशाल्लाह अच्छा सही नमू सा फर्स्ट क्लास चल रहा है यहाँ काम, बड़ी बेहतरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। हम पहले भी आपके पास आए थे, जी जी बिल्कुल याद है, क्रिएट किया था वो, हमने हमारे बहुत दोस्तों ने देखा, बहुत कमेंट आए अच्छे अच्छे दोस्तों ने। और अयाज भाई के साथ है, अयाज भाई पहले भी आए थे, आप ही साथ थे हमें, आपको कैसा लगा था ये? ज़बरदस्त मेरे को लगा नदीम भाई, जैसे कि हमने आपको दिखाया ये जो पार्क वगैरह थे, और जीएम भाई आपकी मेहनत जो है बड़ी आपने मेहनत की है। अक्सर कहते हैं कि इधर जो पाकिस्तान में पौधे वगैरह दरख्त वगैरह जो है, नदीम भाई जैसे कि देखा कि हमने, बोलते हैं कि पाकिस्तान में दरख्त वगैरह पौधे वगैरह कम लगे हुए हैं हमारी नज़र में। हम नौजवान हैं, जब तक हमने विज़िट किया है तो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में पौधे भी बहुत लगे हुए हैं और जो है दरख्त भी बहुत है, मगर गवर्नमेंट को भी चाहिए अभी दरख्त लगाने की ज़रूरत भी है। गवर्नमेंट से यही हमारी अपील है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए, क्योंकि हमारे यहाँ माशरे में सिंध में पौधों की बहुत कमी, जो बड़े होते हैं उनको लोग अपना उनको कारोबार समझते हैं, उनको कारोबार करते हैं, वो उनको जड़ से ही उखाड़ देते हैं। ये हमारी माशाल्लाह सालों से मेहनत है, हम लोगों को ही और भी देते हैं मशवरात घर में, कम से कम दो एक नहीं तो कम से कम अपना पौधा घर में लगाना चाहिए, छोटा हो या बड़ा, उससे घर की और बाहर के लोगों के हिसाब से रौनक बढ़ती है। अल्लाह ताला की वो नेमत छाँव भी देता है हमेशा, बिल्कुल इंसान को हमेशा साथ है, जैसे कि बैठता है कोई लोग जी, बच्चे हैं होते हैं और ये जो इनके पास है दिल खुश होता है। डॉक्टर भी मशवरा देते हैं कि ये लगाएं, आप पौधे वगैरह लगाएं घर में, बंगलों में, महलों में, स्कूलों में, रोड रस्तों पे। अरे भाई आप सुनाओ कैसे चल रहा है काम काज? ठीक ठाक जी भाई, माशाल्लाह अल्लाह के करम में बहुत ठीक ठाक चल रहा है। कैसे वीडियो बना रहे हो, लोगों के कमेंट उनकी राय क्या होती? बस यार लोग अपने भाई हैं, इससे दोस्तों के लिए हम निकल आते हैं बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, और आपसे भी बहुत गुफ्तगू हुई। बिल्कुल, मैंने जब से आपके पहले तरह मुलाकात हुई तो लोगों ने पूछा यार ये तो बड़ी अच्छी जगह है, ये दोस्तों काफ़ी जाएगा इस मना जगह पर बैठ के यूँ काम कर रहा है। यार अपना भाई है, दोस्त है, ये काम लोगों को हम नई नई चीज़ दिखाएंगे इंशाल्लाह, उनको बहुत पसंद आएगी। लोगों को कमेंट्स यही थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ये दोस्तों, जैसे कि हम आपको जीएम भाई से मिला रहे हैं और पार्क के बारे में आपको बताएंगे कि ये पार्क की सीनरी और जो ये पौधे वगैरह लगे हुए हैं तमाम बिल्कुल इनकी सीनरी ज़बरदस्त है। आपके कैमरामैन आपको हमारा दिखाएगा, इनकी सीनरी है, बनावट है, काफ़ी सारा बड़ा होता है और जो दूसरे भी लगे हुए हैं इसमें जी जी, इसमें दूसरे भी हैं, काफ़ी सारे पौधे हैं, मोतियों का है, गुलाब का है और सूरजमुखी का है, और भी हैं काफ़ी सारे, जो शोपीस भी हैं काफ़ी सारे, तो फन भी हैं बड़े फनों वाले, वो भी लगी। हम अपने दोस्तों को दिखाना चाहेंगे कि ये खूबसूरत मंजर और पार्क का बेहतरीन लोकेशन आपको दिखाएंगे। ये भी काफ़ी सारे फल लगे हुए हैं जो
हमारे सिंधी के यहाँ केले की माफे होते हैं, ये भी इनका शोपीस है, अकीक बोलते हैं इनको। ये भी बड़े होते हैं, हमारे यहाँ काफ़ी लगे थे इसलिए हमने निकाल दिए। सऊदी अरब और दुबई के मुल्कों में अरब बहुत इसको चाहते हैं, इस्तेमाल करते हैं और लगाते हैं। ये भी है मोते है हमारा, ये भी मोते है उनका जो गुल है, ये हम उसको पानी देते हैं रोज, अभी अभी दिया है। ये होते हैं बड़े होते हैं, ये भी ज़बरदस्त होते हैं काफ़ी सारे। गुलाब का है, गुलाब का हमारे यहाँ जो है, गुलाब एक ऐसा फूल है जो दिखता ही नहीं, आदमी उनको शौक की तरह पट उखाड़ लेता है, इसलिए ये बाजार वगैरह पर बेचता है, ये हाँ जाता है काफ़ी सारे खूबसूरत फूल है। जी जी जरूर पार्क की। और ये कौन सा है? ये भी हमारा है सूरजमुखी है, सूरजमुखी सूरजमुखी जो ओरिजिनल होता है, ये उनका डुप्लीकेट है, ये भी शोपीस वाला है। सूरजमुखी असली होता है, हम बीज बीज निकालते हैं उसमें ऑयल निकलता है, जैसे तेल वगैरह होता है, खाने वाला तेल होता है, खाने वाला इसमें निकलता है। जी बिल्कुल। और ये जो है पौधे लगे हुए, ये भी बड़े खूबसूरत है। हाँ, ये भी बिल्कुल शोपीस है, स्टाइलिश है नज़ारों की तरह। ये भी इनका भी अलग अलग होता है रंग कलर, जैसे कि जी हमारे भाई का चैनल है तन्हा नदीम ब्लॉग, जो भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो इसी तरह हमारी और भी आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी नई वीडियो की, मिलते रहेंगे, पहले ही हमारे अवल मिलती रहेगी नई वीडियो, तो उसके हमारे कमेंट जो जो दोस्त हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज के मैं आपको बताया कि मैं आप डीएम भाई के सब उसके पास जाऊंगा और उसका ब्लॉग क्रिएट करेंगे और उससे बात करेंगे, गपशप लगाएंगे। जी हम भाई और सुनाओ क्या हाल है आपके? आज का ब्लॉग यहाँ करते हैं एंड, फिर जो कल का ब्लॉग है वो जगह जी हाँ, वो उनका डिसाइड किया हुआ है, पौधे के बारे में जो आप प्रोग्राम नोट कर दिया है, इंशाल्लाह वो भी चलेंगे जुम्मे वाले दिन, जो ओरिजिनल जगह है वहाँ पे जाएंगे। ओरिजिनल जो पौधों ही ना आप बात कर रहे हैं, दोस्त जो भी कमेंट पे बात करेगा और कमेंट करेगा वो पौधों की हम दिखाएंगे दोस्तों को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा माशाल्लाह, ये बहुत प्यारा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कब कब आते हैं? बस जसोत का कटा है। जी जी कभी कभी यहाँ पे देखते बाबा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया हमको, वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आएंगे। जी जी हम भाई से हम बस स्टॉप कर दे, जय स्टॉप कर। Thank you.